कलमू ही जवाब दे, कैसे हुआ ये? क्या सवाल कर रही है मम्मी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जवान लड़की है और जवान लौंडा मिल गया इसे। वो देख तेरे पीछे खड़ा जो कंजी आंख वाला, वही किरायेदार जी, आप ऊपर जाइए। लेकिन मकान मैं कह रही ऊपर जाइए। सारी उम्र तू हमारी छाती पे मूंग डालेगी क्या? नहीं मुन्ना, नहीं, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते तेरी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी तेरी नहीं उठा सकते हम। ना तो आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई है और ना ही आप मेरी शादी करवा सकती थी। जानती है क्यों? इसलिए नहीं कि मुझ में कमी थी, बल्कि इसलिए कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी आपने उनसे नाता नहीं तोड़ा। तो फिर क्यों, क्यों इस घर की लड़की को कोई बहू बनाएगा? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया सबको सम्मान देना, बहुत निभा ली मैंने मर्यादा। कान खोलकर आप सब सुन लीजिए, अब मैं खुद अपने लिए प्यार ढूंढ रही हूं। खुद अपने लिए वर ढूंढूंगी। एक महीने के अंदर अंदर मैं अपने लिए योग्य वर ढूंढूंगी। अब तो शर्मा निवास मेरा ही होना है, क्योंकि खुद हिटलर ने मुझे रास्ता दिखा दिया। और बिजनेस में क्या सही और क्या गलत, सिर्फ नफा और नुकसान देखना चाहिए। इससे सस्ती डील तो मुझे मिल ही नहीं सकती। इस गली में झुंपा लहरी का बहुत बेइज्जती हुआ है, आज हम भी इज्जत निकालेगा इन शरीफ लोगों का। अपने आप को ए हटो यहाँ से। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, हमारा घर में भी बहू बेटी रहता है, उन पर क्या असर होगा? हम ऐसा बच्चे लड़की को इस मोहल्ला में नहीं रहने देगा। पहले जवान आदमी को अपना घर में किराएदार रखा, उसके साथ खूब मौज किया, घूमा फिरा, और अब तुम पेट से है, तुमको शर्म नहीं आता है? बंद करो ये बकवास, खत्म करो तमाचा। आप मेरे को आंख नहीं दिखाओगे, मैं आपकी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। आज मैं सबको बता दूं कि शर्मा निवास दिल्ली 6 में, इस घर में सिर्फ एक औरत प्रेग्नेंट है, वो मैं, सुलेना शर्मा। मैं गई थी अपने बच्चे का अबॉर्शन कराने। अभी तो इस इंदिरा ने तुमको अपना वश में करके रखा है ना, तुमको अभी समझ में नहीं आता है, अभी इंदिरा का जादू सर पे नाचता है तुम्हारे। जब उसका असली चेहरा देखेगा तब तुम सबको मजा आएगा, पता चलेगा कि कितना बेशरम, कितना बच्चलन और कितना। आपने इस घर को बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया? मैंने आपका साथ दिया, लेकिन पब्लिक की इज्जत से मत खेलना। मैं अब भी उसका बाप हूं। क्या देख रहे हैं आप सब लोग? जाइए, जाइए अपने अपने घर जाइए, इससे पहले कि आप सबके चिट्ठियां खोल दूं मैं। जाइए। झुंपा लहरी को मारने का हिम्मत किया तुम इंद्र शर्मा? हम तुमको नहीं छोड़ेगा। देखिए, आप अभी यहां से मेरे साथ चलिए। हाँ छोड़ो, घर का रास्ता हमको मालूम है।